17 दिसंबर 2012 की सुबह इंडिया उठता है एक ऐसे दर्दनाक हादसे से जिसने पूरे देश को जड़ से ये केस था निर्भया का, जहां 23 साल की लड़की को चलती बस में गैंग करके फेंक दिया जाता है। और ये इतना भयानक था कि पूरे देश में निर्भया को इंसाफ के लिए एक आवाज उठी, और इंसाफ मिला भी। चार लोगों को फ्री होने के बाद सबको लगा अब तो देश में केसेस कम हो जाएंगे, लेकिन अफसोस रियलिटी कुछ और है। 2022 की नेशनल क्राइम ब्यूरो की अगर एक रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में डेली 90 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और ध्यान रहे, ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, अनरिपोर्टेड केसेस कितने हैं इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। निर्भया के बाद भी केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे कितने केसेस पास्ट में देखने को मिल चुके हैं आफ्टर निर्भया, जो क्वेश्चन करने पे मजबूर कर रहे हैं कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। जैसे शक्ति मिल गया, 22 अगस्त 2013 को यहां पर एक फोटो जर्नलिस्ट का गैप होता है। केरला में मर्डर केस 28 अप्रैल 2016 को केरला के पेरम्बवूर में एक 29 साल की दलित लॉ स्टूडेंट के साथ होता है। रिपोर्ट्स में तो ये भी पता चला था कि उसकी बॉडी पर मल्टीपल नाइफ वाउंड्स और फिजिकल टॉर्चर हुआ था। उसके बाद 2016 में ही अरियलूर गैंग। अरियलूर तमिलनाडु की एक जगह है जहां पर 16 साल की एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ में गैंग होता है, और बाद में उसकी बॉडी को मार करके कुएं में फेंक दिया जाता है। उसके बाद 2017 में उन्नाव का केस, 17 साल की बच्ची का होता है बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा। अब और भी बदतर सुनो, जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची का होता है, जबकि भी बोलना ठीक नहीं रहेगा, गैंग होता है 6 आदमी और एक नाबालिग लड़के के द्वारा, यानी 7 लोगों ने मिलकर के 8 साल की बच्ची का किया, सोच के भी घिन आता है। उसके बाद फिर से हैदराबाद में एक बहुत ही दर्दनाक गैंग देखने को मिलता है, जहां पर वेटनरी डॉक्टर का 4 लोग गैंग करते हैं और उसके बाद में उनकी बॉडी को जला देते हैं। 19 सितंबर 2020 हाथरस गैंग, 4 आदमी मिलकर के 19 साल की लड़की का गैंग करते हैं। 2 हफ्ते बाद वो लड़की हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। ये तो इंडिया में रहने वाली बच्चियों के साथ हो रहा है, और इंडिया में अगर कोई घूमने आया तो बाहर से आए हुए टूरिस्ट को भी नहीं बख्शा, जैसे स्पेनिश टूरिस्ट का झारखंड में होता है। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, बट अभी कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं इतना बोल दूं कि एक इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर इंडिया के झारखंड में आती है, और फिर उसके साथ में गैंग होता है, उसके हस्बैंड को मारा जाता है, उसके पार्टनर के सामने उसके साथ किया जाता है। कितना डिस्टर्बिंग है ये चीज, आप सोचो एक बार। अब ये जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई, फ्रॉम शक्ति मिल 2013 टू हाथरस केस 2020, केसेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, आफ्टर निर्भया, और आज देखने को मिला कोलकाता केस। ये वीडियो डिस्टर्बिंग हो सकता है बहुत सारे व्यूवर्स के लिए, इसलिए मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूं। हमने इस वीडियो में ओपनली बहुत सारी चीजों पर डिस्कस किया हुआ है, और हम रूट कॉजेस को समझने वाले हैं कि आखिर इतने सारे केसेस हो क्यों रहे हैं, और क्यों पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ में आखिर रूट लेवल पे जाकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, समझते हैं इसको। आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। विक्टिम इसी हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी, और 9 अगस्त की रात में वो अपने 36 घंटे की शिफ्ट में होती है, और इसी बीच उसके साथ इतना दर्दनाक हादसा होता है। नेक्स्ट डे 9:30 मॉर्निंग में सेमिनार हॉल में डॉक्टर की बॉडी मिलती है, सेमी नेकेड विद वेरियस इंजरीज, आंखों और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा होता है। इवन विक्टिम के रिश्तेदारों का ये कहना था कि उनके आंख में जो चश्मा था वो चश्मा लगे लगे उसको तोड़ा गया और वो आंखों में घुसा है, इसलिए आंखों से खून निकल रहा था। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से निकल गया। अब इतनी बड़ी सिचुएशन थी तो जनरली यही होना चाहिए था कि लोग पुलिस और घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन आरजी कर हॉस्पिटल ने ये सब कुछ नहीं किया। मॉर्निंग 10:53 पे हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लड़की के घर वालों को कॉल करते हैं और बोलते हैं आपकी बच्ची की तबीयत नहीं ठीक है, आप जल्दी से आ जाएं। और उसके ही 22 मिनट बाद 11:15 पे वो लोग कॉल करके बोलते हैं कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली है और आप जल्दी से आ जाएं। और हद तो तब हो जाती है जब विक्टिम के पेरेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी 3 घंटे तक रोका जाता है। जैसे ही लड़की के पापा विक्टिम को देखते हैं तो वो डायरेक्टली बाहर आकर के बताते हैं कि उनकी बच्ची के साथ
पेनमट हुआ है। और फिर जस्टिस की मांग उठती है आरजी कर हॉस्पिटल से लेकर के पूरे देश के हॉस्पिटल और पूरे देश की सड़कों पर बाकायदा कैंडल मार्च निकलता है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज इस इंसिडेंट को 30 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट रुक चुके हैं, लोग कहीं ना कहीं भूलने लगे हैं, लोग वो जो स्टोरी का जो सेक्शन होता है इंस्टाग्राम के ऊपर जो लोग शेयर करते जा रहे थे अब वो नहीं शेयर हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं पूरे देश में, बिकॉज ये एक साइकिल है फ्रॉम निर्भया टू कोलकाता। अगर आप देखो तो आपको यही देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ा केस होता है, उसके बाद में बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद में बहुत सारे स्टोरीज और बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, एंड उसके बाद में फिर से धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं, और जैसे ही नॉर्मल हो जाती हैं फिर कुछ महीने कुछ साल बाद कोई बहुत बड़ा केस सुनने को मिलता है। इनिशियली आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस मामले को साइड बता करके रफा दफा करने की कोशिश की, और तो और उल्टा विक्टिम को ही ब्लेम करते दिखाई दिए ये बोलते हुए कि इतनी रात में सेमिनार हॉल में जाना उसकी स्टुपिडिटी थी। अब देखो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, हमेशा से यही होता आ रहा है कि इसके लिए लड़कियों को ही ब्लेम किया जा रहा है। जैसे फरवरी 2022 में कर्नाटक की बीजेपी एमएलए एमपी रेणुकाचार्य एक बहुत ही स्टुपिड बयान देते हैं, केसेस आर इंक्रीजिंग एज सम ड्रेसेस वॉर्न बाय वुमेन एक्साइटमेंट। वाह, कोई सेंस है इस बात का? मतलब डायरेक्ट ब्लेम कपड़े पे उठा करके डाल दो। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि 8 साल की बच्ची का जो हो रहा है उसने ऐसा कौन सा कपड़ा पहन लिया? अगर सिर्फ कपड़े की ही बात है तो फिर छोटी छोटी बच्चियों के केसेस देखने को क्यों मिल रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी दादियों के केसेस देखने को क्यों मिल रहे हैं, और फिर ये बोल रहे हो, ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि लड़की रात में निकलती है, ये गलत। अरे भाई रात में निकले तो क्या दिन में केसेस नहीं हो रहे? दिन में भी केसेस हो रहे हैं, मतलब हो तो हर टाइम पे रहा है ना। पिछले कुछ टाइम में सबसे ज्यादा केसेस कहाँ देखने को मिल रहे हैं? यूपी, बिहार, हरियाणा, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा गांव देहात में केसेस जो देखने को मिल रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा वुमेन अपने आप को कवर रखती हैं, वो जिस भी रिलीजन से हो बट वो खुद को कवर रखती हैं, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा मॉडेस्टी फॉलो होता है बिकॉज ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड, बट वहां भी केसेस हो रहा है और वहां तो सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है। तो देखा जाए कुछ इसी टाइप का स्टेटमेंट ये प्रिंसिपल ने भी दिया कि इतनी रात में हॉल में जाना बेवकूफ़ी। ये क्या बेवकूफ़ी वाला बयान है भाई? हॉस्पिटल है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, कोई भी स्टूडेंट कभी भी कहीं भी जा सकता है। अब ये सब सुनने के बाद देश भर के डॉक्टर, देश भर के लोग सड़क पर उतर गए, फेयर ऑटोप्सी और इन्वेस्टिगेशन की मांग हुई। अब ऑटोप्सी में ये रिवील होता है कि विक्टिम को एक्चुअली किया गया था भाई मल्टीपल मैन, मतलब कि किसी एक आदमी ने ये दरिंदगी नहीं करी थी, मल्टीपल मैन वर इन्वॉल्व्ड। तो फिर से वही बात आई, ये केस भी एक गैंग। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे मेन को पकड़ा गया है वो है संजय रॉय, ये है वो शैतान का चेहरा। कुछ चीजें हैं जो इस शैतान के बारे में जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे की वीडियो में भी मैं डिस्कस करूंगा कि रूट लेवल पे जाकर के प्रॉब्लम है कहां पे। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये बंदा हाईली एडिक्टेड था कंटेंट का और बहुत ही डिस्टर्बिंग कंटेंट इसके फोन में पाया गया। एक शर्मनाक बात यह है कि कोलकाता पुलिस में ये एज अ सिविक वॉलंटियर ज्वाइन था 2019 से, मतलब देश के सिस्टम में ही ऐसे ऐसे गंदे अफराद घुसे हुए हैं। पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि ये एटलीस्ट 4 शादी तो कर चुका है, एक वोमेनाइजर का इसको टैग दिया गया, और उसके साथ साथ में ये भी पता चलता है कि ये फिजिकली अपल्ट करने में नंबर वन रह चुका है, हर वाइफ को इसने फिजिकली टॉर्चर किया है। पिछले कुछ सालों में जब ये कुछ नहीं था तो ये धीरे धीरे कुछ पुलिस वालों के टच में आता है, उसके बाद में ये कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड में जाता है, उसके बाद में यही वो हैवान है जिसने डॉक्टर को सेवरली हर्ट किया और बहुत ही बेदर्दी से जान से मारा गैंग करने के बाद। और तो और इस शैतान की मां मालती रॉय अभी भी ये मानने को नहीं तैयार है और बोल रही है कि उसका बच्चा इनोसेंट है। अब कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष जिसने इस मामले को बता दिया उस पे भी लोगों का बहुत बड़ा शक जाता है। और भी मल्टीपल पॉइंटर्स थे जो संदीप घोष के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाते हैं, जैसे अपने पोजीशन से इस्तीफा दे करके अपने आप को इस केस से दूर करने की कोशिश करना, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट संजय रॉय को हॉस्पिटल रिस्ट्रिक्शन से छूट देना, यही एक रीजन था जिसकी वजह से संजय कभी भी किसी भी टाइम किसी भी डिपार्टमेंट में घुसा जा रहा है। भाई क्वेश्चन तो ये है कि संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर है तो फिर उसका कॉलेज के प्रिंसिपल से क्या कनेक्शन? व्हाई इज द प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज फेवरिंग संजय रॉय? सिर्फ इसी फेवर के चलते हुए संजय हॉस्पिटल में अपनी मनमानी करता था, किसी भी पेशेंट को बेड दिलवाना है या फिर एडमिट करवाना है तो एक्सचेंज ऑफ मनी में वो ये सब करता था। अब चूंकि प्रोटेस्ट की गर्माहट बहुत ज्यादा बढ़ गई पूरे देश में और इन्वेस्टिगेशन
बहुत स्लो हुआ, उसके वजह से कोलकाता हाई कोर्ट इस केस को 23 अगस्त को सीबीआई को दे देता है। सीबीआई को केस हैंडओवर करने से पहले एविडेंस को टेंपर किया जाता है। कुछ चीजें एकदम ही समझ में नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल में अचानक से रेनोवेशन का काम शुरू हुआ और वो भी उस एरिया में जो एग्जैक्ट इंसिडेंट के बगल वाला एरिया था। अब आप बताओ, इसे टेम्परिंग ऑफ एविडेंस नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? अब देश भर में जो सिस्टम के ऊपर गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है, मतलब मजाक बना करके रख दिया क्या रेप जैसे इतने सेंसिटिव इशू। लोगों का एक ही क्वेश्चन है ममता सरकार से, किसको बचा रहे हो, कौन सा खेल खेला जा रहा है, मतलब किस लेवल का मजाक चल रहा है। ममता बनर्जी खुद सड़क पे उतर करके प्रोटेस्ट कर रही है। अरे प्रोटेस्ट हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, तुम अपने खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। नाउ विद सीबीआई कमिंग इन, संदीप घोष को अरेस्ट किया जाता है। अभी रिलेटेड कनेक्शन तो नहीं बताया गया है, लेकिन अरेस्ट किया गया है। चार्जेस रिलेटेड है ब्राइबरी, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, इलीगल सेल ऑफ अनक्लेम कॉप्सिस, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रैफिकिंग और सबसे बड़ी चीज अपने जान पहचान वाले सप्लायर को टेंडर देना, मतलब सप्लायर टेंडर में फेवरिज्म करना, मतलब इस बंदे को पर्सनली फेवरिज्म घुसा हुआ है, हर जगह वही लगा रहा है। स्टूडेंट्स का ये भी आरोप है कि घोष 5-8 लाख रुपए लेता है एग्जाम पास करवाने के लिए। जब से आरजी कर ये सामने आया है, बीजेपी टीएमसी एनसीपीएम एक दूसरे को ब्लेम करने में लग गए हैं। बीजेपी और सीपीएम ममता बनर्जी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, तो ममता बनर्जी अपने सफाई में बीजेपी के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा रही हैं। एक जैसे इतने सेंसिटिव इंसिडेंट को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है, और पॉलिटिकल मुद्दा भी छोड़ो, आज क्या बना दिए, मजाक चल रहा है, सर्कस चल रहा है, मतलब सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रही है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उसके साथ साथ में वो एक हेल्थ मिनिस्टर भी है, और ये जो केस है वो एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है, यानी कि ये चीज डायरेक्टली हेल्थ मिनिस्टर से रिलेटेड है, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं आपके खिलाफ हो रहे हैं, आप खुद अपने खिलाफ प्रोटेस्ट करने सड़क पे उतरे हो। एक टाइम पे इतना तो तय था कि गवर्नमेंट भी खुद इस केस को दबाना चाहती थी, बट राइट टाइम पे सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया। ऑपोजिशन की बात क्या करें यहाँ पर, टीएमसी के खुद के पॉलिटिशियंस खुश नहीं है। टीएमसी राज्यसभा एमपी जौहर सरकारे ने इस्तीफा दे दिया टीएमसी से, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से कि टीएमसी का जो रवैया था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, इस वजह से नाराज होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। ममता बनर्जी के ऊपर ये भी आरोप है कि उन्होंने विक्टिम की फैमिली को पैसे ऑफर किए, विच शी डिनाइड, एंड उसके बाद में उन्होंने वो भी ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाला। देखो बात बहुत सिंपल सी है, बीजेपी ममता बनर्जी को ब्लेम कर रही है, ममता बनर्जी अपने आप को बीजेपी के प्रोपेगेंडा का विक्टिम बता रही है। बट मेरा यहाँ पर ये कहना है कि टीएमसी हो, बीजेपी हो, या कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी से लेने देने वाली बात नहीं है। बात यह है कि क्या हुआ है, और इंसाफ की आवाज हर एक को मिलकर उठानी चाहिए। पता है दुख कब होता है? दुख तब होता है जब यहाँ पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, मतलब समझ रहे हो पॉलिटिक्स कितनी गंदी है, यहाँ पर भी ये देख लेती है कि कब हम अपोजिशन के ऊपर अटैक कर सकते हैं किसी भी मुद्दे को उठा करके, ये नहीं देखेंगे कि कब कहाँ पर क्या सिचुएशन हुई है। अब सरकार चाहे जो करे, बट पब्लिक की आवाज को कोई रोक नहीं सकता है। केस इतना बड़ा है, लोगों के अंदर गुस्सा, आक्रोश सब कुछ है। पहले डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी के टाइम में पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है। हर स्टेट में लोग डिलेड जस्टिस को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल में वेंडलिज्म से लेकर कोलकाता पुलिस की लापरवाही तक लोग परेशान हैं और गुस्से में भी हैं। अब ये सबको देख करके सुप्रीम कोर्ट सामने आया है, उसने चार्ज लिया है। अभी के टाइम में केस सुप्रीम कोर्ट के पास में है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट इन है, तो लोगों का भी भरोसा है कि यस जस्टिस मिलेगा। लेकिन अब मेरा सवाल है कि हमारा देश इस हालत में पहुंचा कैसे? निर्भया के बाद में एनसीआरबी की रिपोर्ट देखो तो केसेस कम नहीं हुए, बढ़े हैं। तो आखिर ये केसेस घट क्यों नहीं रहे? मेरा खुद का स्टडी ये कहता है कि केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है लोगों की मेंटेलिटी। एक आंसे ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना तो ताली नहीं बजती एक आंसे। और यहाँ पर मैं रेस्ट मेंटेलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली लोग क्या सोचते हैं? जिस लड़की को जला दिया उसका करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हैं। आम आदमी क्या सोचता है ये मैटर करता है, क्योंकि आम आदमी की सोच ही समाज की सोच है, और रेपिस्ट भी इसी समाज में जन्म ले रहा है। दुख वाली बात यह है कि औरतें ही औरत को सपोर्ट कर रही हैं। तो बेसिकली औरतों को लेकर के समाज में जो सोच है ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला, वो ही मानसिकता को जन्म देता है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मर्द औरत को सिर्फ एक चीज से रिलेट कर रहा है, वो है सेक्सुअल प्लेजर
एंड नथिंग मोर देन दैट। बहुत खराब मानसिकता वाले जितने भी मर्द हैं वो सिर्फ औरत को कुछ चीजों के लिए ही समझते हैं, बच्चा पैदा करने वाली, घर में काम करने वाली या फिर प्लेजर देने वाली। उसके बाद बॉलीवुड इसमें आग में घी डालने का काम करता है, ऐसे ऐसे आइटम सॉन्ग आते हैं जो कि डायरेक्टली वुमेन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। ले 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 मजा ले, मुन्नी बदनाम हुई, फेविकोल से, और उसके आप वीडियो देखो वो किस तरीके से वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। बहुत सारे आदमी आते हैं, एक वुमेन डांस कर रही है और उसके पास में आते हैं, तो इट्स लाइक कि मतलब वो क्या दिखाना चाह रहे हैं ये समझ में आता है आइटम सॉन्ग से। उसका आइटम सॉन्ग नाम ही देखो ना, आइटम सॉन्ग, वहां पर वुमेन को ही आइटम बोला जा रहा है, मतलब जो मेन मॉडल होती है, मेन लीड कैरेक्टर होती है, उसको ही आइटम बोला जा रहा है। इट्स लाइक कि वहीं पे ऑब्जेक्टिफिकेशन है, वो नीच में ही ऑब्जेक्टिफिकेशन है। अभी वो टोनी कक्कर का एक सॉन्ग आया कमसिन कली, अब उसमें वो कह रहे कमाल 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 का माल है तू, क्या है भाई, मतलब वोमेन को माल बोल रहे हो। उसके बाद में भोजपुरी इंडस्ट्री की क्या बात करें, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने वाहियात सॉन्ग हैं और इतने ही एडल्ट सॉन्ग हैं और वो यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, इजीली ब्राउज कर सकते हो आप, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, एज रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा उस पर। और उस पर किस टाइप का डांस कर रही होती हैं वो, कैसे गंदे लिरिक्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं भाभी भतार, ये सब वर्ड्स होते हैं, और उन सारे वर्ड्स पे ये इतने पाक रिश्तों को भी गंदा कर रहे होते हैं। मतलब भोजपुरी सॉन्ग में गंदगी का हद पार, देवरा ढोड़ी चाटे, अब ये मतलब देवर भाभी का दिखाया जा रहा है। एंड उसके साथ साथ में क्या दिखाया जा रहा है कि वीडियो सॉन्ग जो है, ठीक है, उसमें बाकायदा ये दिखाया जा रहा है कि भाभी रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, बट वो जबरदस्ती कर रहा है, और ये चीज बाकायदा दिखाया जा रहा है, इसमें रिश्ते की गंदगी फैलाई जा रही है। और ये सॉन्ग पे मिलियंस में व्यूज हैं, मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूज आते हैं इन सारे सॉन्ग्स के ऊपर। और उसको कहाँ पे देखा जाता है पता है आपको, हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव देहात में, फिर जब झारखंड के बहुत से छोटी जगह में ट्रेवलर जब ट्रेवल करती है छोटी सी जगह में, और फिर वही सारे सॉन्ग से इन्फ्लुएंस होकर के गंदे लोग, औरत के ऊपर गंदी नजर रखने वाले जाकर के क्या करते हैं। मतलब ओवरऑल ये सारी इंडस्ट्री, सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, कोई भी तमिल वाली ले लो या कोई भी ले लो, ये जितनी भी मूवी इंडस्ट्री है, सब कहीं ना कहीं वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। एंड नाउ द राइज इन ओटीटी एप्स, ऐसे ऐसे एप्स आ गए मार्केट में, ओटीटी ऐप वो वेब सीरीज के नाम पे डायरेक्ट सॉफ्ट पोर्न दिखा रहे हैं इंडिया में, और वहां पे क्या दिखाया जा रहा है वो सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी सर्कुलेट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पेजेस पे सर्कुलेट हो रहे हैं, मीम पेजेस वो सारा कंटेंट सर्कुलेट कर रहे हैं, और लोग भर भर के वही सब देख रहे हैं। वेब सीरीज के नाम पे लोग सीधे सीधे सॉफ्ट कंटेंट देख रहे हैं। एंड आप शॉक हो जाओगे बात जानकर कि डिस्पाइट ऑफ बैन ऑन पोर्नोग्राफी, बट इंडिया स्टिल इज ऑन थर्ड नंबर पूरे दुनिया में देखने के मामले में, और उसके साथ साथ में 30% व्यूअर्स इसमें खुद फीमेल्स हैं। अब तो जिंदगी में कभी वुमेन की रिस्पेक्ट करना सिखा नहीं सकता है, उसमें कभी भी आपको ये नहीं दिखाया जाएगा कि एक्चुअली में एक वुमेन की फीलिंग्स क्या होती हैं, कैसे वो क्या फील करती है। उसमें तो बस यही दिखाया जाता है कि एवरीवन कैन एनी टाइम फक अराउंड एनीवेयर। अब जो लोग वो देख रहे हैं उनके दिमाग में एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन बनना शुरू हो रहा है कि वुमेन लव चर, वुमेन लव These kind of things, and फिर ये गंदे लोग, ये शैतान हैवान जैसे लोग, इनके फोन में ऐसे ही भर भर के ग्राफिक वीडियोस मिलते हैं, और फिर जाकर के ये इतना गंदा करते हैं। अब यहाँ पर लोग ये समझना भूल जाते हैं कि पूरी तरीके से बनाया गया है सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए, और वो आपको कभी भी किसी भी वुमेन का सेक्सुअल प्लेजर नहीं दिखा सकता है कि एक्चुअली में क्या कोई फील कर सकता है। अगर आप वहां से कुछ भी सीख रहे हो एक मैन या वुमेन के लिए कुछ भी, तो वो आपकी ही सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन को हर्ट करने वाला है, और आप ही एक टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड होने वाले हो। ऑल्सो जितनी भी स्टार इस इंडस्ट्री में काम करती हैं, इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो लेऊंगा, वो खुद अपनी लाइफ में कितना फ्रस्ट्रेटेड होती है, उनको खुद में कोई मजा नहीं आता है। Do you think there is post-traumatic stress that is in you from this experience? Yes, and I think it kicks in mostly when I go out in public, because the stares I get, I feel like people can see through my clothes, and it brings me deep shame. It makes me feel like I lost all right to my privacy. कितने कितने high levels of वो लोग ड्रग्स लेती हैं, तब जा करके वो सारे सीन्स करते हैं, बिकॉज वो ड्रग्स के नशे में ही वो सब कर सकते हैं, वो नॉर्मल होकर के वो सब कर भी नहीं पाएंगी। Like I said, I was homeless right before I moved out west and did porn and doing a whole lot of drugs. बस एक बात है जो कभी मत भूलो कि ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है,
वहाँ पे सब कुछ पैसे का गेम है। Everyone wanted to make money off me, so they pushed me to do these things. And it just gets really extreme, like you were saying, abusive. I don't want to go into too much detail. Like honestly, some of my experiences are really humiliating for me. पैसे के लिए लोग कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। Like मतलब लोग अपने रिश्तों को भी वहाँ भूल जाते हैं कि मेरा हस्बैंड कौन है, मेरी वाइफ कौन है। वो अपनी वाइफ को ही उस इंडस्ट्री में ढकेलने के लिए लोग रेडी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम मनी। अब यहाँ पर एक बहुत सीरियस बात मैं उठा देता हूँ कि ये जितने भी लोग सड़क पे निकले हैं प्रोटेस्ट करने, जितने भी लोग सपोर्ट में स्टोरीज लगा रहे हैं, आपको पता है मोस्टली लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मोस्टली लोग स्टोरीज लगा रहे हैं, तो फिर इंडिया टॉप थर्ड में क्यों आता है पहुंचने के मामले में? ये हर वो लोग हैं जिनके डिवाइसेस में आपको पहुंचेगा, जो खुद कंजम्पशन करते हैं, जो खुद अपने आप की नजरों में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जो खुद आइटम सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। ये वही लोग हैं जो खुद में वो सारी चीजें अवॉइड नहीं करते हैं और फिर जाकर के सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में आवाज उठाते हैं कि फला जगह हुआ जस्टिस। अरे आप तब तक जस्टिस की आवाज नहीं उठा सकते हो जब तक आप खुद में चेंज नहीं लेकर के आए हो। पहले आप खुद में चेंज लेकर के आओ कि आप रूट कॉज लेवल पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं चीजें, आप पहले खुद को उनसे दूर करो। अगर हर कोई इन सारी चीजों से दूर है तो फिर ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रहे हैं वेब सीरीज इतना वायरल क्यों हो रहे हैं? लोग क्यों देख रहे हैं? कौन लोग हैं वो व्यूअर्स? इंडिया में मेल टू फीमेल रेशियो कम है, विद फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड अदर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन फीमेल पॉपुलेशन कम है मर्दों के मुकाबले में। उसके ऊपर से सेक्स को एक कलंक की तरह देखा जाता है। सेक्स एजुकेशन या सेक्स पे डिस्कशन इज अ टैबू इन इंडिया। मतलब मैं भी अगर इतना ओपनली सेक्स बोल रहा हूँ तो बहुत सारे मेरे ही जान पहचान के लोग ये वीडियो देखेंगे और कहेंगे अरे क्या बात कर रहा है ये, क्या सेक्स वेक्स की बात कर रहा है। बट उनको शर्म आता है जबकि वो खुद सेक्स से ही पैदा हुए। ऐसे में यूथ के अंदर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कॉन्टिन्यूसली पैदा होता जा रहा है। घर में भी बच्चों को कोई कुछ समझाना पसंद नहीं करता है, पेरेंट्स खुद सेक्स को एक टैबू की तरह लेते हैं। छोटे शहरों की एक मेंटेलिटी बताता हूँ, बहुत सारे लोग रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। मतलब लड़की अगर छोटी जगह से है, मतलब किसी छोटे शहर से, और वहां पर वो कुर्ती या फिर साड़ी के अलावा अगर उसने कुछ पहन लिया, अगर हल्का सा भी उसने कुछ अलग पहन लिया, तो वहां पर ये बोला जाएगा लड़की चालू है। अगर लड़की ने थोड़ा बहुत इंटरनेट सीखा, कंप्यूटर सीखा और काम करने चली गई तो वहां पर टैग दे दिया जाएगा लड़की बहुत फास्ट है। अब सोसाइटी में चल रही ये सारी बातें लड़कों के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करती हैं। क्या परसेप्शन क्रिएट करती है? कि अगर कोई लड़की वेस्टर्न आउटफिट पहन करके घूम रही है तो वो चालू है, हेंस रिजल्ट इन सेक्सुअल अब्यूज। और उसके साथ साथ में हर लड़की जो वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहनती है, जो नॉर्मल साड़ी पहन ले, जो नॉर्मल कुर्ती पहन लेगी, कुछ भी पहन लेगी, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है कहीं ना कहीं। ट्रेन में देख लो, बस में देख लो, हर लड़की को अनवांटेडली टच किया जाता है, लोग टच करते हैं, ये सच्चाई है। हर लड़की बता देगी कि उसको कभी ना कभी टच किया गया, हर लड़की। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ करने वाला ही नहीं है, ये पूरा एक कल्चर है जो मैंने शुरू से गिनाया कि लाइक मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स हो गए, ऐसे मूवीज हो गए, या फिर भोजपुरी सॉन्ग हो गए, ये OTT प्लेटफॉर्म्स जो वेब सीरीज निकाल रहे हैं, ये सब उस कल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कल्चर को बढ़ावा देने में। पॉर्न इंडस्ट्री बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है रेप कल्चर के अंदर। रेप को इस सोसाइटी में एक जोक बनाने वाले मीम पेजेस, मतलब हमको ये नहीं समझ में आता गवर्नमेंट क्यों एक बहुत स्ट्रांग एक्शन नहीं ले पा रही है ऐसे मीम पेजेस के ऊपर। मतलब रेप केस हुआ और उसके बाद में इतने गंदे मीम्स वायरल हुए, हाउ कैन आई एक्सप्लेन? यहां पर अगर फुटेज भी लगा दूंगा ना, बहुत गंदे मीम्स हैं। मैं खुद नहीं दिखाना चाहता हूं, ना मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि उन मीम्स का मतलब क्या है। लोग कितना गिर चुके हैं डार्क ह्यूमर के चक्कर में, लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं कि वो जो मीम बना रहे हैं वो भी किसी औरत से पैदा हुआ है, बिल्कुल भूल चुके हैं लोग। सिर्फ फिजिकली करना नहीं होता है, रेप में रेप मेंटालिटी और कल्चर को सपोर्ट करना भी रेप होता है, का मजाक बनाना भी रेप ही है। ऐसे ऐसे डेमोनिक लोग हैं, ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं दुनिया में। मतलब अभी कोलकाता हुआ और अभी विक्टिम के नाम से इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना डाला और उसमें वहां पर सेक्शन लिख रहे हैं कॉमेडियन कैटेगरी, प्रोफाइल कैटेगरी कॉमेडियन। इतने हरामजादे हैं। रिसेंटली जब ये सब चल रहा था, मैं इंडिया में नहीं था इसीलिए वीडियो भी लेट आ रहा है थोड़ा, मैं इंडिया के बाहर था एंड जब मैं आया मैं बहुत सारी चीजें देखा। तो मतलब मैंने एक चीज देखी कि एक कोई क्रिएटर था, यूट्यूब क्रिएटर ही है वो, मतलब उसको तो कोई चीज की शर्म ही नहीं आई, इतना गंदा इंसान, ठीक है। और वो सोमिल नाम का क्रिएटर है, ठीक है। एंड उसके बाद में उसने ट्वीट किया था एक,
और वो ट्वीट उसका वायरल हुआ था, बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स भी स्टोरी लगा रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे को समझ में नहीं है क्या है। बाद में जब मैं डीप डाइव गया तब मेरे को समझ में आया कि व्हाट इज दिस, व्हाट द फक इज दिस। उसका एग्जैक्ट ट्वीट ये था जो स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग पढ़ लो, मैं तो पढ़ के मुंह से भी नहीं बोलना पसंद करूंगा, इतना गंदा इंसान। मतलब जो इंसान दुनिया से जा चुका है उसके बारे में ये क्या बोल रहा है, और इसको कोई फर्क नहीं, सिर्फ कूल बनने के लिए। एक कोई फेसबुक यूजर तुषार करके फेसबुक पे पोस्ट डालता है, ये भी बहुत वायरल हुआ, और इतनी गंदी बात इसने लिखी, द विक्टिम डॉक्टर वाज नॉट दैट ब्यूटीफुल सो शी डजंट डिजर्व दिस मच अटेंशन, आई डोंट नो व्हाट दोस गाइस लाइक्ड इन हर, अनदर लेसन दैट इंडिया अ बिलो एवरेज गर्ल कैन ऑल्सो गेट 10 इज लाइक व्हाट ही इज राइटिंग, आई डोंट नो, उसको तो इंग्लिश भी नहीं आती अच्छे से। एंड उसके बाद में ये इतनी गंदी बात लिख रहा है, मतलब इट्स लाइक बहुत ही सैड है ये। अगर ये मेंटेलिटी है इन लड़कों की, मतलब इनको तो कोई हक नहीं है इस जमीन पे रहने का, क्योंकि इसको भी धरती माँ अगर बोल रहे हो तो तुम पैदा हुए हो, और इट्स लाइक कोई हक नहीं है तुम्हें जमीन पे रहने का। फेसबुक पे ही किसी कमेंट के अंदर, इतना लंबा कमेंट था ये किसी का, ठीक है, और उसमें ये बंदा रिप्लाई करके क्या कर रहा है, पूरे इंसिडेंट का कमेंट था कि क्या क्या हुआ, उसके बाद में ये रिप्लाई करके दैट्स सो हॉट। एंड फिर इसकी प्रोफाइल पे आप देखोगे तो ये वहां पर लिखा हुआ है कि प्योर ब्राह्मण पैशनेट इन डेवलपिंग ब्राइट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी। मतलब ये खुद भी डॉक्टर वाले बैकग्राउंड से और इसने भी इतनी गंदी बात लिख रखी। बच्चों की परवरिश एक अहम हिस्सा होती है देश की ग्रोथ के लिए। सिर्फ अच्छे संस्कार ही एक अच्छे समाज को जन्म दे सकते हैं। इंडिया एक ऐसा देश जहां पर देवी पूजा होती है, वहां पर तमाचा है यहाँ के लोगों के मुंह पर, मतलब आस्था पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब जिस देवी को पूज रहे हो, नारी भी उसी देवी का एक रूप है, और आप उस रूप को ही इज्जत नहीं दे रहे हो। और ये जो इज्जत वाला फैक्टर है ना, ये कहीं से कोई बाहर से नहीं सीख सकता, स्कूल से भी नहीं सीख सकता, ये शुरू होता है घर से। तो घर की परवरिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी माइंडेड नौजवान डेवलप करने के लिए। प्रॉब्लम कौन से घर में होता है, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जहां पर औरत को पैर की जूती समझा जाता है। अब जो बच्चा अपने बाप को ये चीज करते देखेगा, मान लो मारते हुए देखेगा, वो उसको क्या लगेगा, उसको लगे यही सही तरीका है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसने बाकी की दुनिया तो देखी नहीं होती है कि मैन वोमेन एक दूसरे को इक्वली रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको तो जो दिखेगा वो वही को एक्सेप्ट कर लेगा। तो सिंपल सी बात है, घर में जो दिन रात देखता है वही उसकी पर्सनैलिटी बनती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये सारी चीजें पर्सनैलिटी में ऐसा डीप डाउन घुस जाती है कि आप काउंसलिंग या थेरेपी से भी जल्दी नहीं निकाल सकते, और फिर रिजल्ट क्या निकलता है, एक ऐसा एनिमल जो सोसाइटी बिल्कुल नहीं चाहती। आरजीकर केस का एक्यूज संजय रॉय का प्रोफाइल ऐसा ही है। संजय 3 बार शादी कर चुका है, ये उसकी 4थी शादी है। पिछली 3 बीवियों ने संजय को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक एब्यूसिव हस्बैंड था। तीनों बीवी के छोड़ जाने के बावजूद भी संजय हल्का सा भी नहीं सुधरा। अपनी 4थी शादी में आई हुई बीवी को भी मारना शुरू किया, और इतना मारा कि उसका मिसकैरेज हो गया, जो कि 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। मतलब कभी कभी तो ऐसा अंदर से फीलिंग आता है कि कैसे सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, मतलब इंसान नहीं शैतान लोग हैं इंसान की शक्लों में। क्या लगता है, संजय कोई हैवान से कम है? अब आज के टाइम में यही संजय जिसने आरजीकर केस को कबूल किया था वो अपने बयान से मुकर रहा है। इस टाइम पे केस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। संजय रॉय जो कि मेन एक्यूज है, उसने गिल्टी फील करने से मना कर दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग वो इनोसेंट है, उसे फ्रेम किया जा रहा है। रॉय का कहना है जब वो सेमिनार हॉल में पहुंचा, विक्टिम खून में लटपट एक अनकॉन्शियस स्टेट में थी, ये देखकर वो पैनिक किया और वहां से भाग गया। ऑल्सो उसका ये भी कहना है कि वो विक्टिम को नहीं जानता था। क्राइम सीन से भागने और पुलिस को ना इन्फॉर्म करने में रॉय ने ये बयान दिया है कि वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसको ऐसा लगा कि अगर वो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर भी देगा तब भी कोई उसका विश्वास नहीं करेगा। अब दूसरी तरफ संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन डाला है। पिटीशन में उन्होंने ये बोला है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने बिना उनके बात को सुने हुए केस सीबीआई को दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? एक्यूज कानून के लूप होल्स में घुस करके एक्सप्लॉइट करके बचता रहेगा? क्या वुमेन पे क्राइम नहीं रुकेंगे? बदलाव आएगा कैसे? सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अगर इंडिया में बदलाव लाना है तो कुछ बहुत बड़े बड़े मेजर स्टेप्स लेने होंगे। नंबर 1, रेप को लेकर के लॉज बदलने पड़ेंगे और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लाने पड़ेंगे। अभी हाल ही में सिलीगुड़ी कोर्ट में एमडी अब्बास को डेथ पेनल्टी दिया गया, जो कि एक माइनर के
मैं अक्यूज्ड था। अब इससे ये नहीं बोल रहे हैं कि केसेस तुरंत कम हो जाएंगे, बट एक चीज का विश्वास है कि मौत का डर लोगों के अंदर सुधार लाएगा। निर्भया केस 2012 में हुआ, ठीक है, और फांसी हुई 8 साल बाद, वो भी 4 लोगों को। तो ये चीज जो है ना, ये के अंदर बहुत ज्यादा एक बढ़ावा दे देती है उनको, ठीक है। 8-8 साल तक के केस चल रहा है कोर्ट में, अरे क्यों नहीं फास्ट एक्शन होता है। इसके साथ साथ उन लोगों को भी इक्वली सजा मिलनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर पीठ पीछे बैठ करके ऐसे जैसे सेंसिटिव टॉपिक को डीसेंसिटाइज कर रहे होते हैं। अब कोई 13 से 14 साल के बच्चे ऐसे मीम्स और ये सारी चीजें देखेंगे, उनके दिमाग में किस टाइप की कंडीशनिंग बनना शुरू होगी। दूसरा, लॉ इन्फोर्समेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप करना जो कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड हो। वुमेन सेफ्टी को लेकर के नए पॉलिसीज एंड रूल्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट टाइम में पुलिस सर्विलेंस को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, स्कूल्स में वुमेन सेफ्टी रिलेटेड क्लासेस को मैंडेटरी कर देना। अब वहां पर बच्चों को कॉम्बैट टेक्निक के साथ साथ गुड टच बैड टच भी सिखाया जाए। छोटे छोटे बच्चों को उनके फैमिली मेंबर्स और उनके रिश्तेदार में ही कोई ना कोई मोलेस्ट करता है बचपन में, बच्चों को गुड टच बैड टच पता होना चाहिए। ऑल्सो उनको ये चीज बताया जाए खुल करके, बेटा आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ हो तो आप डायरेक्टली इस चीज को कैसे बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने घर में भैया को बताओ, दीदी को बताओ, बता दो। चौथा, मेल चाइल्ड के अपब्रिंगिंग में पेरेंट्स और स्कूल्स को एक अलग इनिशिएटिव लेना होगा। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी गुड टच और बैड टच बताना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो भी फिजिकल अब्यूज का शिकार ना बने। लड़के के साथ भी मोलेस्टेशन होता है। पांचवा, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी करना चाहिए। मुझे पता है इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट अगर सेक्स को एक मिस्ट्री टैबू की तरह परसीव करोगे तो इंडिया में लड़कों के दिमाग में वो एक क्रियोसिटी बनती रहेगी और वो क्रियोसिटी उन्हें इंडस्ट्री की तरफ लेकर के जाती है। वो इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं और वहां से उनको फॉल्स एक्सपेक्टेशन ही बनती है। उनको कोई भी रियल एजुकेशन इंटरनेट से नहीं मिल रहा है। अगर लड़के ही सब कुछ सीख रहे हैं तो वो लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर नहीं समझते हैं, बल्कि लड़की को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है, टीनेज में जितना ज्यादा सेक्स को लेकर के डिस्कशन हो उतना अच्छा है। एक यहाँ पर एकदम कोर्ट वाली बात बोल देता हूँ कि व्हेन दे विल कम टू नो दैट सेक्स इज लव नॉट वायलेंस, वहीं से चेंज होना शुरू हो जाएगा। सिक्स, एजुकेटिंग पीपल अबाउट कंसेंट, मतलब मंजूरी। ये एक ऐसी बात है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब मैरिड कपल्स के लिए भी ये है। कंसेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब नो का मतलब नो होता है, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है रियलिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया, और उसमें मैंने बताया है कि कैसे मैरिटल रेप इतना तेजी से बढ़ रहा है और कितना ज्यादा इतना वॉयलेंस, डोमेस्टिक वॉयलेंस और अत्याचार होता है एक लेडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक कि वो शादीशुदा है। लोग कंसेंट को ईगो से जोड़ देते हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को प्रपोजल मना कर दे तो लड़का ये नहीं समझेगा कि क्या प्रॉब्लम है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, ये नहीं समझेगा, बल्कि कैसे सोचना शुरू करेगा, हाउ डेयर शी रिजेक्ट मी, ये चीज दिमाग में आ जाएगा कि मे को कैसे रिजेक्ट किया, मैं रिजेक्ट नहीं हो सकता, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की, और वहीं से क्राइम दिमाग में पलना शुरू होता है। 7, जो अवेयर मर्द है वो सामने आकर के जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें और ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करें। जब एक मर्द खुद ऐसे टॉपिक्स के ऊपर अच्छा डिस्कशन करेगा तो इससे और मर्दों के अंदर रियलाइजेशन होगी, और लोगों के अंदर अगर कोई गलत थॉट पल भी रहा होगा तो वो थॉट हटना शुरू हो जाएगा। लोगों को बताओ, अपने एनवायरमेंट में बताओ, अपने ऑफिस में बताओ, अपने दोस्तों को बताओ कि यार गंदी नजर से लड़की को मत देखो, जब सड़क पे चल रहे हो कोई लड़की जा रही है तो उसके ऊपर कोई कॉमेंट मत करो, आपस में ही उसके बारे में बात मत करो ऐसे, अरे देख 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 कैसी लग रही है, ये सारी चीजें क्यों बोल, हाँ उसको नहीं सुनाई दे रहा बट मत बोलो ना, ऐसी चीजें ठीक करना शुरू करो। मतलब छोटी छोटी जगह से, आपका कलीग्स का एनवायरनमेंट है 4-5 लोगों का, अब ऑफिस में आप किसी लड़की पे कमेंट करो उसको सबसे पहले रोको। ये नहीं है कि पूरा ऑफिस जब मार्च पे निकलेगा मोमबत्ती लेकर के तब जाकर के हम मोमबत्ती लेकर के खड़े हो गए, अपना मेन कैरेक्टर बदल ही नहीं रहे। नंबर 7, गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस टाइप का एंटरटेनमेंट पे बैन लगाना जो वुमेन की सेक्सुअलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। आई डोंट नो ऐसा मटेरियल रिलीज ही क्यों हो रहा है, ऐसे मूवीज, ऐसे वेब सीरीज आ ही क्यों रहे हैं। सेंसर बोर्ड हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस एंड सॉफ्ट पोर्न बनाने वाले ओटीटीज को डायरेक्टली बंद करना चाहिए। निर्भया के बाद लॉज में रिफॉर्म्स हुए
बट उस पे इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। मतलब छोटी छोटी चीजें आरजी कर रही है। इसमें अगर पुलिस संजय रॉय का बैकग्राउंड चेक करती तो उसको पुलिस फोर्स में जगह ही क्यों मिलती। और तो और पुलिस अगर संजय रॉय की बीवी की बात को मानती और संजय रॉय से दोस्ती ज्यादा ना निभाती तो आज वो जेल के अंदर होता, आरजी कर में ना होता। मतलब आप समझ रहे हो, ये सब एक चेन रिएक्शन है। इसमें वो पुलिस वाले भी गलत हैं जो संजय रॉय जैसे क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए थे। देखो एक चीज दिमाग में एकदम क्लियर बैठालना पड़ेगा कि लोग कोई एलियन नहीं है, ये हमारे आपके बीच में रहने वाले लोग हैं। इनको पहचानना पड़ेगा। पहचान कब पाओगे? जब खुद और खुद की सोच को बदलोगे। अगर खुद की मेंटालिटी के ऊपर काम नहीं करोगे तो नहीं पहचान पाओगे, उनमें ही घुल मिल जाओगे। एंड में इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूं तो एक महीना होने को है बट कोलकाता रेप केस पे अभी कोई स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन नहीं है। जो हुआ वो दिल्ली में हुए निर्भया केस से कम नहीं है, लोगों के अंदर उतना ही आक्रोश है। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, आम इंसान, सब लोग सड़क पे उतरे, बट अभी इंसाफ मिलना बाकी है। केस सीबीआई के हाथ में जरूर है लेकिन अभी भी कोई नतीजा नहीं निकल करके आया है। अब एक चीज फिर से तय है कि अगर इस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा अभी एक महीने तक नहीं निकल रहा है तो फिर लोग भूल जाएंगे, फिर कोई दूसरा इशू होगा, मीडिया उस पर बात कर रही होगी, लोग उसमें बिजी हो जाएंगे। मीडिया को तो मसाला और व्यूज चाहिए, जब तक मिल रहा है तब तक चलाएंगे। जिस दिन स्कोप मिलना बंद हुआ, व्यूज थोड़ा डाउन हुए, मीडिया न्यूज चलाना बंद करेगी, लोगों को न्यूज नहीं देखने को मिलेगी, लोग ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। और यही होते आया है। मैंने ऊपर के टॉप के कितने केसेस जुड़ाए आपको, आप में से ही बहुत सारे लोगों को किसी से नहीं पता होंगे। आई होप कि मैं गलत निकलूं लेकिन इससे पहले यही हुआ है और यही होता रहेगा। दिल्ली कोचिंग सेंटर में जो बच्चे दबे उस पे क्या अपडेट है, किसको सजा मिली कोई नहीं जानता है। पुणे पॉश केस क्या अपडेट है, कहां गया, इतने लोग वीडियो बनाए, कुछ पता चला अभी? अभी अभी का क्या, करंट का क्या अपडेट है? पूरे देश ने देखा कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है, कौन एक्यूज था, ठीक है, अभी कहां है, कुछ पता है? रफा दफा हुआ ना, इसको बोलते हैं रफा दफा, ऐसे होता है यहाँ रफा दफा। प्रज्वल रवन्ना केस, नीट स्कैम, यूजीसी स्कैम, यूपीएससी स्कैम, कहाँ है, कहाँ कहाँ मिला? अभी हमने बनाया था नीट स्कैम पे वीडियो, अभी कुछ पता चला है? एक चीज को एक्सेप्ट करो, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ का कानून इतने गंभीर सिचुएशन में भी दो रेपिस्ट को पेरोल प्रोवाइड करता है। आसाराम राम रहीम, ये सच्चाई है। बट क्या फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट को भी मैं तो कहता हूं नहीं फर्क पड़ता है। 31 साल की लड़की हस्ती खेलती अपना जिंदगी चला गया उसका, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? अरे भाई, एक इवनिंग में मोमबत्ती लेकर के निकलने से नहीं बात बन जाती है, ठीक है? उसके मम्मी पापा के ऊपर क्या बीत रही है, वो ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। मतलब कैसे गवर्नमेंट और हॉस्पिटल के करप्ट प्रैक्टिसेस ने एक लड़की की जान ले ली जो कल को इतनी बड़ी डॉक्टर बनने वाली थी, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी। उनके मम्मी पापा को बार बार वो चीज रिमाइंड हो रहा होगा ब्रेन में, रात में नींद नहीं आ रही होगी, खाना नहीं खा पा रहे होंगे, सब चीज थोड़ी ना आपको शेयर हो रहा है, सब चीज थोड़ी ना आप देख रहे हो। इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही, गवर्नमेंट की लापरवाही, हॉस्पिटल की लापरवाही, सब तरफ तो लापरवाही। सिंपल सी बात है, किसी को न्यूज के लिए स्कोप चाहिए, किसी को राजनीति के लिए प्रोपेगेंडा बनाना है, पापड़ सेकना है, यही है। और इनमें से एक इंसान भी, यस आई मीन इट, एक इंसान भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता ना अपने काम को लेकर के, नहीं होता ये सब। बस आज बहुत हर्ट हूं, मतलब एंड होते होते भी वीडियो जब हो रहा है तो फिर हर्ट ही हो रहा है। मतलब इतना सब कुछ रिकनसाइल हुआ, इतना सारा इस वीडियो को बनाने के लिए ये सब जो चीजें देखना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। तो इट्स लाइक कि मतलब बस एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि ऐसे वीडियोस को बस शेयर करो। शेयर जब करोगे तो मतलब लोगों तक पहुंचना चाहिए, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मैं आज कुछ ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता हूं ज्यादा, मतलब ठीक है, क्योंकि बहुत ही दिल टूटने वाली चीज है ये, ठीक है? एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मतलब इसको शेयर कर दो अच्छे से, एंड बस मैं फिर अगली वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच।